लखनऊ में ऐतिहासिक शोज रहे। आगरा से मुझे फोन आया और वहां भी वो शो होने जा रहा है, और आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन नाटक जो आप सब लोगों ने पहले बड़ा प्यार दिया जिसका नाम है मांस कर्दन, उसका बहुत जल्द शो हम लखनऊ में करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 से 7 जगह ये नाटक होने वाला है, दोनों नाटक बनारस में, गोरखपुर में, लखनऊ में और आगरा में, इतनी जगह तो फिक्स है। बाकी जगह से भी फोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, और हिंदुस्तान टाइम्स ने हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखा, अमर उजाला ने हमारे बारे में अच्छा लिखा, सारे अखबार ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बहुत जल्दी हमारा लेख आने वाला है। वो लोग हमारा नाटक देखने आए थे, उन लोगों ने नाटक देखा, हमारा इंटरव्यू लिया। ये हिंदी रंगमंच के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बड़ी बात है। और मैं अपने तमाम रंगकर्मी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मैं युद्ध स्तर पर रंगकर्मी में लग गया हूं। उत्तर प्रदेश में नाटक को आगे बढ़ाना है, भोजपुरी और हिंदी दोनों नाटक करने हैं। इसमें हमारे बहुत सारे मित्र हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे गोरखपुर से मानवेंद्र त्रिपाठी जी, प्रवेंद्र सिंह जी जो बीएनए में हैं, राहुल चंदेल, शरद राज और विजित भाई जिनको हम विजू भाई कहते हैं, और गोरखपुर से हमारे बड़े भाई जो विश्व भोजपुरी सम्मेलन करवाते हैं हमेशा, मतलब उनका हमेशा मुझे प्यार मिलता रहा है। और जब भी कोई भी बात होती है कहीं भी, तो समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ में अशोक चौबे भैया, अशोक चौबे जी पिछली बार जब महोत्सव हुआ था उत्तर प्रदेश महोत्सव, तो उसमें हमारा नाटक उन्होंने करवाया था। इसके अलावा अभिनेता, भोजपुरी फिल्मों के एस्टैब्लिश अच्छे हीरो, बड़े हीरो हमारे छोटे भाई आनंद ओझा, इन समस्त सारे लोगों का, राहुल दीक्षित, अंशुल, राहुल पंडित, इन लोगों का प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा, सुजीत सिंह यादव, तो ये हमारे सारे रंगकर्मी हैं जिनके माध्यम से हम लोग रंगमंच को आगे बढ़ाते रहे। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जो सुल्तानपुर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और फिर उन्होंने भोजपुरी फिल्में बनाई, देनेशी को लेकर पहली फिल्म बनाई थी, ये सारे हमारे रंगकर्मी हैं जिनके माध्यम से, जिनके साथ मिलकर के हम कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बदलते हुए रंगमंच को, थिएटर को देखें और टिकट लेके देखें, कोशिश करें 20 रुपए का ही टिकट लें।